हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मथुरा रेलवे स्टेशन से हम सीधा गोकुल गए थे, जहां पे कि श्री कृष्ण ने अपने बचपन बिताए हुए थे। तो अब हम जा रहे हैं सीधा श्री कृष्ण जन्मभूमि। गोकुल से श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुँचने में लगभग आपको आधा घंटा लग सकता है, क्योंकि जो डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये 16-17 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलिए अब हम आपको ये पूरा नज़ारा दिखाते हैं और किस रूट से हम जा रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। हम सेम रूट से अभी जा रहे हैं और यहाँ पे हमको हाईवे के ऊपर से जाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान और उसके बारे में भी हम आपको कुछ बातें बता देते हैं और फिर वहाँ पे जाके हम आपको और भी बाकी चीज़ें दिखा देंगे। तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि या फिर कह सकते हैं कृष्ण जन्म स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वह जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने क्रूर राजा कंस के जेल हाउस में खुद को प्रकट किया और अपने पिता वासुदेव और उनकी मां देवकी को मुक्त कर दिया। उनका उद्देश्य बुराई को नष्ट करना, पुण्य की रक्षा करना और दृढ़ पैर पर धार्मिकता स्थापित करना था। आप देख सकते हैं कि रोड पे कितना ज्यादा क्राउड है, क्योंकि इस टाइम पे होली के टाइम पे अगर आप मथुरा आते हैं तो आपको ऑटो वगैरह बहुत ही कम चांसेस रहता है कि मिले। अगर आप रिजर्व करते तभी आपको ऑटो मिलेगा, और यहाँ पे इस टाइम पे होटल भी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है होली के सीजन में, क्योंकि यहाँ पे केवल एक जगह से नहीं, यहाँ पे हर एक जगह से लोग आते हैं, इंडिया से और इवन फॉरेन से भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो चलिए अब हम पहुँच ही चुके हैं, लगभग थोड़ी देर में हम कृष्ण जन्म स्थान पहुंच जाएंगे और फिर देखते हैं वहां पे कि लोग होली किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान और यहां पे आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है और लोग किस किस तरीके से होली खेल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ऊपर में लोग एक दूसरे को बैठा के भी यहाँ पे कलर उड़ाते हुए होली खेल रहे हैं। तो आइए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि लोग क्या क्या चीजें करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से जश्न मना रहे हैं और काफ़ी अच्छे से होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एंट्री की तरफ है, तो अभी हमको अंदर जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको गेट दिखाई देगा जन्मभूमि का और फिर उसके बाद हम अंदर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कृष्ण जन्म स्थान में अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो वहाँ पर आपको लॉकर मिल जाएगा, आपको दोनों साइड लॉकर मिल जाएगा। अगर आपके साथ कोई लेडीज है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप जल्दी से अपने सामान को वहाँ पे रख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं कृष्ण जन्म स्थान और आपको आगे आगे चीज़ जो दिखाते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी शॉप वगैरह है सारा कुछ काफ़ी अच्छे से चल रहा है और यहाँ पे क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो
लड़के हो लड़कियां हो सब एंजॉय कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं पीछे भी क्राउड। जन्मभूमि मथुरा में जो कि काफी फेमस है और काफी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे होली कितने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज्यादा क्राउड है, और इस टाइम पे जितने भी होटल रेस्टोरेंट रहते हैं उनके यहाँ पे काफ़ी क्राउड रहता है, काफ़ी भीड़ रहता है। इवन आपको कुछ भी खरीदने के लिए भी काफ़ी टाइम लग सकता है या फिर लाइन भी लगाना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट है उस टाइम पे काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाता है, तो यहाँ पे मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं ये सारा कुछ शॉप है, और ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा जो कि गेट है कृष्ण जन्म स्थान। तो हम अंदर अभी आपको थोड़ा सा और नज़दीक जाके आपको काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं ऊपर में रथ बना हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देख सकते हैं ये है मेन एंट्री गेट, जहाँ पे ये देख सकते हैं लाइन में लोग लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल नहीं ले जाना अलाउड है, और जो भी अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो और जो भी आपका लगेज हो वो आप अंदर लेके नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे आपको दोनों साइड में लगेज रखने के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग किस तरीके से होली को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अंदर मोबाइल लेके जा नहीं सकते तो हम आपको बाहर से हर एक चीज़ें दिखा देते हैं, और अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में भी आपको बता सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये है मंदिर, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ से ये एंट्री है मैंने आपको दिखाया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा कलरफुल हो चुके हैं। तो अंदर में एक मंदिर है और एक गुफा है, जहाँ पे कि आपको एक जगह टिकट भी लेना पड़ता है, जो कि पूरा अंदर गुफा के अंदर में आपको पूरा जो भी कृष्ण भगवान से रिलेटेड चीज़ें हैं वो चीज़ आपको वहाँ पर दिखाया जाता है। और फिर उसके बाद एक बड़ी सी मंदिर है और एक और भी मंदिर वहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो ये देख सकते हैं आप कि कृष्ण जन्म स्थान के बाहर किस तरीके से लोग होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अगर आप मथुरा जाते हैं होली के टाइम पे तो आपको पहले से ही होटल की बुकिंग, ट्रेन की बुकिंग, हर एक चीज़ पहले से ही कर लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप होली के टाइम पे डायरेक्ट जाते हैं तो वहाँ पे आपको होटल और रूम सब कुछ मिलना मुश्किल रहता है, क्योंकि वहाँ पे लोग पहले से ही बुकिंग करके ही जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट है होली के टाइम पे। तो अगर आप मथुरा आने का प्लान कर रहे हैं तो आप कृष्ण जन्मभूमि, गोकुल धाम और वृंदावन, प्रेम मंदिर, ये सारे जगह पे ज़रूर विजिट करिएगा। और आई होप आपको ये हमारा वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको वृंदावन या मथुरा से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, तो अगर हम ट्राई करना चाहेंगे कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाए।
आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।